सर लोगों को क्या सुझाव देंगे कि गर्मी जैसे बढ़ती आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, ऐसे पुलिस की जिम्मेदारी और लोगों की क्या जिम्मेदारी की क्या करें वो, क्या आग की घटनाओं को रोका जा सके? देखिए ज़्यादातर फायर जो है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है, तो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से बचने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है कि अपने घरों की, अपने प्रतिष्ठानों की, दुकानों की, हॉस्पिटल की, सब जगह की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट करवा लिया जाए। इलेक्ट्रीशियन को बुला करके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुला करके, किसी एक्सपर्ट को बुला करके ये दिखवा लिया जाए कि जितना हमारा लोड है उससे कंसरेट जो हमारी तार की कैपेसिटी है वो है या उससे कम है। अगर तार कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमारा लोड ज़्यादा है, तो तारों को हम बदलवा लें, MCV लगवा लें, सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो करवा लें जिससे कि आग लगे ही ना, और आग लगे तो तुरंत पता लग जाए। और मौके पर जो है वो लोकल संसाधनों का प्रयोग करके उसको बुझा ले। अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो सबसे अच्छा है, उसको लेकिन ऑपरेट करने आना चाहिए। अगर वो नहीं है तो भी पानी से, मिट्टी से, बालू से, कम्बल से आप आग को बुझा सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करना है। तो कैसे आप मीटर से फ्यूज को निकाल करके या MCV को डाउन करके या वो ऑटो कट से जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो सकती है और आप आग को बुझा सकते हैं। संसाधनों के लिहाज से अगर फायर सर्विस को देखा जाए तो क्या मजबूत भी कहा जा रहा था एक ब्लॉक लेवल तक हम इसको स्थापित करेंगे फायर सर्विस को? अभी एज ऑफ नाउ 370 फायर स्टेशन हैं, 350 तहसीलें हैं, ऑलमोस्ट 1 फायर स्टेशन इन 1 तहसील है। लेकिन रिस्पांस टाइम कम करने के लिए और विशेष तौर से ग्रामीण अंचलों में फायर ब्रिगेड की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पे जाने का हमारा टारगेट है। अगले कुछ वर्षों में हम लोग ब्लॉक स्तर तक पहुँचेंगे।